बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिल तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले बात करते हैं जो बनीगाला हाउस में जासूस पकड़ा गया सफाई वाला, उसके बारे में नई पेशरफ्त है, डेवलपमेंट ये है। इसलिए आप सारे रिपोर्टर्स को ये बुलाया गया है यहाँ पर ताकि आप विटनेस करें इसका, यहाँ से अपनी फैमिली के साथ डिपार्चर। इसके इसके फैमिली को हमने बुला लिया है, हम इसको माफ़ कर रहे हैं। पुलिस के पीछे एक SP साहब भी बैठे हैं, आपको पता है। मैं सिर्फ उनकी सेंटिटी के लिए नहीं चाहूँगा कि आप उनको कैमरे में ज़रूर दिखाएं, वो भी यहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद पुलिस से, और उनके मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में हम इन्हें बनीगाला से सही सलामत खान साहब की गरीब परवरी की वजह से कि वो नहीं चाहते कि किसी शख्स को सज़ा दी जाए या किसी शख्स को, किसी गरीब आदमी को सज़ा दी जाए किसी अमीर के, किसी ताकतवर की हुई करतूत के। इस्लामाबाद पुलिस ने उसे जासूस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के फौरन बाद इनका एक ट्वीट आया इस्लामाबाद पुलिस का, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बनीगाला हाउस में जासूसी करने में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी का मामला ARY के रिपोर्टर ने एक शख्स को पुलिस के हवाले किया जो ठीक तरह से बात भी नहीं कर सक रहा था, जिस वजह से इस शख्स की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। शख्स की जिस्मानी और दिमागी हालत जानने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताता हूं कि शायर इस शेर में ये कह रहा है कि इमरान खान ने 6 साल से अपने घर में जो सफाई वाला रखा हुआ है वो पागल था। कुछ भी। इसके अलावा कराची में डायनम क्लॉथ कंपनी, जो कि बैनुल अक्वामी कंपनियां H&M हो गई या ज़ारा हो गई, इनके मलबूसात बनाती है और भी कई कंपनियों के ये मलबूसात बनाती है, इन्होंने बगैर बताए अपने यूनिट नंबर 6 में सब वर्करों को निकाल दिया जिनकी तादाद 4000 से प्लस थी। तो वर्करों ने इनकी मनमानी पर, किस वजह से निकाला ये उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो इनकी मनमानी पर वर्करों ने उनकी फैक्ट्री के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। इसके अलावा जनरल इलेक्शन में 300 वोटों से प्लस से हारने वाली स्वात की सीट पर PTI वर्कर ने 3000 प्लस वोटों से जीत कर, ये सब उन लोगों को बता दिया, उन चैनलों को बता दिया जो ये कहते थे कि PTI की मकबूलियत ख़त्म हो गई है। तो ये जिंदा मिसाल आपके सामने है। 11 जमातों के गठजोड़ को स्वात में इबरतनाक शिकस्त। PTI ने ANP की 2018 में जीती हुई सीट 2022 में जीत ली। कांपे तो टांग रही होंगी और अब टोचा हाना भी गायब होगा। ये सारी 11 जमातों को और उन हलकों को जो ये कहते थे, जो इनको लाए, उन्हें अब पता तो चल गया होगा कि कितनी मकबूलियत इमरान खान को हो चुका है। जियो और बाकी समा हो गया इन चैनलों को पैसे दे के झूठी प्रमोशनें करके, ये रिजल्ट आपके सामने है। खुददारी का मुकाबला गुलामी से, ये उसकी बड़ी मिसाल आपके सामने है। इसके अलावा इमरान खान ने आज लाहौर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, बड़ा पुरजोश खिताब था। ये 7 वीडियो चल रही होगी, आप देख रहे होंगे उनको सी ऑफ कैसे किया गया लाहौरियों ने। उसके अलावा बहुत से बयान इमरान खान के सामने आए हैं जो आप मीडिया पर देख भी रहे होंगे या मुख्तलिफ चैनलों में देख रहे होंगे। जो मुझे इसमें एक इंटरेस्टिंग बयान लगा वो ये था कि जो 1100 अरब इन्होंने NRO2 लेके माफ़ करवाया है, ये मैं इनसे वापस लूँगा, इमरान खान का ये कहना था। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के बलदियाती इलेक्शन में ये कारनामे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ये मामला हल करना चाहिए कि ये 2 नंबरी जो पुलिस स्टेशन में हो रही है, ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है। जाहिर सी बात है इनके पीछे वो मामलात हैं, वो लोग हैं जिन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। वो अब नहीं चाहते कि उनकी की हुई बेगैरती को लोग देख लें खुलेआम, इसलिए वो पूरी धांधली करके उनको जिताना चाह रही है। इसके अलावा एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया आज। अली अफजल साही, ये उम्मीदवार हैं 97 MPA के उम्मीदवार हैं, इनकी टीम पर फायरिंग की गई, 3 बंदे जख्मी हुए और एक जाँ बहक हो गया। लास्ट में ये पैगाम उनके लिए है जिन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और ये जो अब इलेक्शन में बेगैरतियाँ कर रहे हैं। साबित हुआ कि जोहरी कुत बनने से ज़्यादा अहम मुआशी इकतसादी ताकतवर मुल्क बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि सियासी लीडरशिप गैरतमंद,
और खुद मुख्तार हो कि कल को पाकिस्तानी अवाम को किसी के आगे लेटना ना पड़े और ये रिजीम चेंज कल को ना हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने इस YouTube चैनल पॉइंट ऑफ व्यू और Facebook चैनल पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम।